सर, ये है मिस्टर डिसूजा। तो आप लेके आए इस लड़की को यहाँ पे। इनका बयान ले लो और साइन करा लो। जी मिस्टर डिसूजा, अगले कुछ दिनों तक गोवा से बाहर जाइएगा मत हमें इन्फॉर्म किए बिना। ओके चलिए सर। ये है डॉक्टर मेनन, इस लड़की का केस यही देख रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो वर्गीस, इंस्पेक्टर वर्गीस। डॉक्टर मेनन जी, क्या लगता है डॉक्टर आपको, कब तक होश आ जाएगा इसे? कहना मुश्किल है। She was brought here in a very bad shape. उसकी ये हालत देखकर ये अंदाजा लगा जा सकते कि उसका स्ट्रगल काफी रहा होगा। हाँ, बाहर तो वो आ गई है, लेकिन उसका स्ट्रगल कितना सक्सेसफुल रहा है ये सिटी स्कैन की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। उनके कपड़ों के साथ कुछ मिला हो, कोई आईडी, एनी सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन? जी नहीं। और मुझे लगता है कि उनका बयान लेने के लिए आपको काफी लंबा वेट करना पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियों और ट्रॉमा केसेस में हम पेशेंट को हैवी सेडेशन पर रखते हैं। ओके डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। तुम लोग अलर्ट रहना ऑल पे। जिसने भी लड़की पर अटैक किया है वो दोबारा कर सकता है। उसके होश आते ही मुझे सबसे पहले फोन करना। ओके, आई शुड बी द फर्स्ट वन टू नो। जी सर। ऑलराइट, आई सी यू। वो लड़की अभी तक जिंदा है। गायकवाड़, कब तक खड़े रहोगे ऐसे? जाओ जाकर तुम लोग भी चाय पी लो, मैं हूं यहां पर। जी। और हाँ, एक अच्छी वाली चाय मेरे लिए भी। ओके सर। लाती हूँ। ओके मैम, रिलैक्स। सब ठीक तो है ना सिस्टर? हाँ, होश आ गया है, बट शी इज लुकिंग डिसओरिएंटेड। आप अपने सीनियर ऑफिसर को बुला लीजिए प्लीज। श्योर। और दोनों पे केस दर्ज करो। ओके सर। सर का है? सर मैं तो यहीं बाहर ही बैठा था। Where is the girl? सर यहीं पर थी, थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर मेनन ने उसका चेकअप किया था और सर मैंने खुद मेडिसिन देके सुलाया था उसे। तो क्या नींद में उठ के चली गई वो? तुम लोग जाग रहे थे या तुम भी सो रहे थे?
Gaikwad, lock this hospital down. No one gets in and no one gets out. Yes, sir. Alvin, headquarters Kurila karo. I want more backup right now. Where is the dean of this hospital? Sir, ground floor. एक लड़की पेशेंट अपने सेकंड फ्लोर वार्ड से गायब है। इस तरफ किसी को आते जाते हुए देखा है जो उस वार्ड का ना हो? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं है। ओके। डॉक्टर साहब आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। यस डॉक्टर। पेशेंट की सीटी स्कैन रिपोर्ट्स आ गई हैं। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। शी हैज पार्शियल सेरेब्रल हाइपोक्सिक इस्केमिया। मतलब कॉफिन में उसे काफी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिला। मतलब उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला। इस वजह से शी हैज सफर्ड सम ब्रेन डैमेज। इस ब्रेन डैमेज की वजह से उसके दिमाग और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन इफेक्ट होगा। सीजर्स आएंगे, हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, जिसे हम मतिभ्रम कहते हैं। इसका इलाज बहुत जरूरी है। अकेली रहेगी तो मर भी सकती है। Don't worry, we'll find a doctor. Okay. Gaikwad, I want updates every 10 minutes. Yes, sir. जल्द नजर आ जाएगी। मंदार माता की जय।
अंधार मात रे की जय 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 अंधार राजनीति के सागर में अमृत पीने वाले तो बहुत मिलेंगे लेकिन सच्चा शिव भक्त वो है जो उनकी तरह विष पीने को तैयार हो जाए। मंदार भाव भक्त है भोले बाबा का, इसीलिए आज आप सबसे वादा करता है शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कि जरूरत पड़ने पर अपने भाइयों के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देगा। धर्म की रक्षा है, इसीलिए आप सबकी रक्षा मेरा धर्म है और मेरा कर्म भी। अंधार मात्रे की जय। अंधार मात्रे की जय। अंधार मात्रे जय। अंधार मात्रे की जय। अंधार मात्रे की जय। अंधार मात्रे की जय। अंधार मात्रे की जय। चलो चलो तुम लोग घर चलो, मैं बाद में आता हूँ। आप नहीं चल रहे? शिवरात्रि के साथ साथ अनु का बर्थडे भी है। तू क्या चाहती है? इलेक्शन की तैयारी छोड़ के तेरे साथ घर में बैठ के गुब्बारे फिलाऊं, बर्थडे की मोमबत्तियां बुझाऊं मैं? चल फैमिली रमागड़म खत्म हुआ, घर जा। ये देखा आपका पेपर? वोट करने की उम्र 18 तो शराब पीने की 25 क्यों? कब तक ये खिलवाड़ होगा युवा पीढ़ी के साथ? कब तक सवाल उठेंगे उनकी सूझबूझ और मर्यादा पर? नया पत्ता फेंका अतुल मात्रे ने युवाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए। हाँ काका, समुद्र मंथन होगा तो कुछ तो असुरों के हाथ भी लगेगा ना। लेकिन उस असुर को राजनीति भी तो तूने ही सिखाई है भाई। बड़ा दुख होता है ये सोच के कि वो तेरे चाचा का लड़का है। घोड़े की ढाई चाल, E3 से F5, अपनी चाल चल। इस वक्त आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग राइट नाउ। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, चल चल अपनी। मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी क्लास के लिए देर हो रही है। सिर्फ 40 सेकंड है मेरे पास, बोल आगे बोल। घोड़े की चाल चली तो सामने से नहीं नहीं आई मीन रानी से ऊंट। आई एम रियली सॉरी, वो मुझे चेसबोर्ड याद नहीं आ रहा है अभी। फोटोग्राफी क्लास में ध्यान है मेरा। असली फोटो वो नहीं होती जो कैमरे से खींची जाती है, असली फोटो वो होती है जो दिमाग में छप जाती है। जिंदगी में कुछ करना है ना तो कैमरे का शटर छोड़, लाइफ का फोकस ठीक कर। फोटोग्राफी की माँ का, शाम को 5 बजे आऊंगा, घर पे रहना। सर, क्यों ना टीवी पर फोटो दिखाकर अनाउंसमेंट करवा दें? उससे सिर्फ हम नहीं ढूंढ रहे गायकवाड़, कोई और भी है जिससे वो बचकर भाग रही है। अनाउंसमेंट हुई तो वो लोग चौकन्ने हो जाएंगे, ठीक है? चुपचाप नजर रखो और हर किसी पर ध्यान दो, जिस पे भी शक है मेरे पास लेके आना उसको, ओके? जी। एंड वन मोर थिंग, पता करो कि ये CCTV का कंट्रोल रूम का है, ओके? ओके सर। तेरे को बोला था ना ये बॉक्स नहीं खोलने का। अरे जब तक मैडम नहीं आती ये बॉक्स नहीं खोलने का। अरे अब वो पूछेगी कौन खोला पैक बॉक्स तो? अरे मैंने नहीं लगाया एक भी बॉक्स को। तूने नहीं लगाया तो भूत आया क्या कोई? अरे मेरे को क्या मालूम। अब
अभी अपनी स्टोरूम से निकली और डॉक्टर का स्क्रब पहना उसने। आते जाते सब पर नजर रखना और अपने आदमी को इन्फॉर्म करो। मुझे इस वैन के ड्राइवर का नंबर चाहिए अभी। हाँ कौन? इंस्पेक्टर एंटोन बोल रहा हूँ। गाड़ी साइड में लगा और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ हाँ सर लगा रहा हूँ। एक मिनट हाँ सर बोलिए। तुम्हारी गाड़ी में एक लड़की है जिसने डॉक्टर का स्क्रब पहना हुआ है। हाँ सर देखता हूँ। नहीं साहब She's jumped off the bus. Excuse me. Can you please help me? Uh-huh. Actually, मुझे पंजिम जाना है। Emergency case के चक्कर में staff bus miss हो गई। I need help. You're a doctor? Yes, yes. वो एक्चुअली कपड़े नहीं बदल पाए स्टाफ बस के चक्कर में। वेलकम राइट इन। थैंक यू। वेल इट्स योर लकी डे क्योंकि मैं उसी तरफ जा रही हूँ। वो एक्चुअली ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी पर थी सो तो बस पकड़ने की जल्दी में आप चप्पल पहनना भूल गई। राइट राइट इट हैपेंस। यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग? उस दुश्मन का जिसे दोस्त नहीं बना सका। बाबा कहा करते थे औरत को उसकी जात और दुश्मन को उसकी औकात। जितना जल्दी हो सके बता देनी चाहिए। काका आ गए वो लोग। बाजीराव इसी ने चाल का सौदा करने से मना किया है। भाव गलती हो गए भाव। लेकिन लेकिन क्या करेगा भाव? चाली तो अपना घर है ना भाव। अपने बीवी बच्चों का छत है। हाँ भाव 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 गलती हो गए भाव। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा भाव। गलती हो गई आप जैसा बोलोगे भाव। टिक 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 ए, वो क्या बोलता अपना अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में? सुई मुई जी शांत हो गई। तुझे जवाब तब देना चाहिए था जब मैंने पैसे भेजे थे। अभी तेरी लाइफलाइन फिनिश हो गई।
वो कफ सिर्फ खुल नहीं रहा था तो उसको खोलने की कोशिश कर। सोनिका, I love you। मुझे मालूम है तू मुझे प्यार नहीं करती और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे प्यार को तेरे प्यार की जरूरत नहीं है। तेरा हमेशा ख्याल रखूंगा और वो तेरी दादी है ना, उसका भी। ओल्ड एज होम, बस कभी अपने आप को मुझसे अलग करने की कोशिश मत करना, किसी भी तरह से नहीं। तू अलग होगी, मुझे दुख होगा, मुझे दुख होगा, तेरी दादी को दुख होगा। समझ गई ना क्या कह रहा हूं? सुबह और ही घर जा रहा हूं, तू अपना ख्याल रखना। इस लड़की को देखा है? नहीं सर। रुको, कोई है पीछे? नहीं कोई नहीं है सर, कोई नहीं। चलो निकलो। क्या आपने इस लड़की को देखा है? हाँ देखा है। Myself Anton Virgis। कहाँ देखा था आपने इस लड़की को? कुछ देर पहले मैंने उसे लिफ्ट दी थी। कहाँ छोड़ा था आपने उसे? गैब्रियल रोड बोल रही थी। वो बीट नंबर 4 पे भी इंफॉर्मेशन दे दिया। सर, यहाँ के लोगों का कहना है कि बस एक यही घर है जो काफी अरसे से बंद है, तो शायद शायद नहीं यही है। लेट्स गो। गीला है, यूज हुआ है अभी। सर्च द प्लेस। जी सर। नाउ। यस सर। मैंने पूरा घर छान मारा, वो कहीं भी नहीं। वो मरने से नहीं, पुलिस से डरकर भाग रही है। सर एक बात नहीं समझ में आ रही है मुझे, हम उसका पीछा कर ही क्यों रहे? उसने कोई क्राइम तो किया नहीं है, मरना चाहती है तो मरे, हमें इससे क्या? पुलिस का काम सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना ही नहीं है, लोगों की हिफाजत करना भी है। आसपास जाकर सभी घर में फोटो दिखा के पूछना, ओके? किसी पे भी शक हो तो अंदर जाके तलाशी लो।
कॉल द फोरेंसिक्स टीम, और जब तक वो लोग यहाँ ना पहुंचे तुम लोग यहीं पे रुकना। ऑल राइट? जी। So you see, a direct flash on the subject makes the subject flat, and it creates a lot of unnecessary shadows. Hmm? Did you understand, Akshay? Huh? Haan, samajh gaya na sir. Basically, bounce a lot of other objects to make beautiful subjects for my next project. Right, funny boy. That'll do. Is hafte ka assignment hoga perspective par. इस हफ्ते के लिए मैंने आप सबको दो दो के पेयर्स में बांट दिया है। देखना यह है कि दो लोग एक ही साइट को अलग तरीके से कैसे देखते हैं। सो दे विल बी अंकिता एंड आशु, गौरी एंड श्रेयस, राहुल एंड रणवीर, तुलिका एंड वेदिका, सोनिका एंड अक्षय। एवरीबॉडी रेडी? गो अहेड एंड क्लिक मुंबई। फोटोग्राफ्स नहीं क्लिक कर रहे? नॉट इंटरेस्टेड? व्हाई? इज एवरीथिंग ओके? आई ब्रोक अप विद माय गर्लफ्रेंड। ओह, सॉरी टू हियर दैट। हुआ क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा, उसका कुत्ता मर गया। मैंने तो एक प्यारा सा मैसेज भेजा कि बेबी तुम्हारा कुत्ता मर गया। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। एलओएल। फिर पता नहीं उसके बाद उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। I mean, silly girl. तुमने LOL कहा? हाँ। तुम हंस रही हो? I'm sorry. I'm really sorry. I know मुझे हंसना नहीं चाहिए, पर LOL कौन कहता है? LOL? अरे LOL means lots of love. Idiot. LOL means laugh out loud. Oh shit! इसका मतलब? अच्छा तभी वो मुझे समझ रही है कि? You are right, exactly. अब फोन उठाओ और उसे फोन करो और सॉरी बोलो. Thanks. तुम झूठ कह रहे हो ना? Right, but at least you, LOL. कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया। कभी आईने पे लिखा तुझे, कभी आंसुओं से मिटा दिया, कभी खत समझ के पढ़ा तुझे, कभी डायरी में छुपा दिया। एक पल भी तू मुझसे होता नहीं है जुदा। Oh,
तेरी तमन्ना आँखों में लेके परछाइयों का पीछा किया। तेरी तमन्ना आँखों में लेके परछाइयों का पीछा किया। हर अजनबी से तेरा पता मैं दीवानों की तरह पूछा किया। दीवानों की तरह मैं पूछा किया। कुछ दिन यूं लगता है दिल है कहीं गुमशुदा। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा तू ये ना जाने कैसे तेरे बिन रोया है पल पल ये दिल मेरा। तू ये ना जाने कैसे तेरे बिन रोया है पल पल ये दिल मेरा। आंसू किसी ने पोछे ना मेरे तो याद आया आंचल तेरा। तो याद आया आंचल तेरा। तन्हाई में अक्सर सुनता हूँ तेरी सदा। वो फोन बैटरी फ्रेंड के साथ थी। दो में से एक बात बोल, भाऊ के डर से जल्दी आ गई या फ्रेंड के घर से आने में देर हो गई। मेरी वजह से तेरी अय्याशियां अधूरी तो नहीं रहेगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं शीना के साथ थी। शीना, शीना, मंदा, पूजा, स्मिता, तेरी सारी सहेलियों को फोन कर चुके मेरे आदमी, पर तू किसी के साथ नहीं थी। मैं किसी के साथ भी नहीं थी, मेरा यकीन कीजिए। बाबा कहते थे चूटी के पर और नागिन का सर शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। बोल किसके साथ थी तू, किसके साथ थी तू, बोल किसके साथ थी तू, बोल बोल बोल। ऐसे ही दम घुटता है मेरा जब तू मुझसे दूर होने की कोशिश करती है। ऐसे ही
पता है मुझे किसी लड़के से मिलने गई थी तू। आज सबूत नहीं है इसके लिए बच गई, लेकिन अगर मुझे पता चला मेरा शक सही है, अगली बार तेरी सांस रुकेगी लेकिन वापस नहीं आएगी, वहीं थम जाएगी तेरी सांस, समझे? Hey! आज से अपना एक आदमी 24 घंटे इसके साथ रहेगा, नजर रखेगा इस पे। थैंक यू अंकल। अंकल ये गेस्ट हाउस योला की कल ही खाली हुआ है। सानिका, अक्षय कहाँ हो तुम? अक्षय मैंने तुम्हें देख लिया है, कहाँ हो तुम? For God's sake, अक्षय, please stop playing games, अक्षय, please, अक्षय जहाँ कहीं भी हो प्लीज बाहर आ जाओ, प्लीज। आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ा दिया, मेरी इज्जत बढ़ा दी। सम्मान आपने बढ़ाया हमारे साहित्य का। नमस्ते। भाभी जी, आप यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी किताब आपको बहुत अच्छी लगेगी। अरे आपकी तो हर किताब मुझे आज तक अच्छी लगी है, तो ये क्यों नहीं। जी धन्यवाद। तुम लोग बात करो, मैं जरा काका से बात करके आता हूँ। जी जी प्रॉब्लम्स। जी 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 जरूर। नमस्कार मंदार जी। काका दिमाग खराब हो गया आपका क्या? इसे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे थोड़ी ना मालूम था तू नेहा के साथ यहाँ पे आने वाला है। भाभी जी, मैं इस किताब पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था और इसी ने कहा था आपके साथ बात हो गई फोन पे, तो लेके चला है। नमस्ते नेहा जी। नमस्ते। मैंने इसे शाम को आने को कहा था और यहाँ पर नहीं, क्लब में। बाबा कहते थे इम्तिहान की नकल और रखेल की शक्ल पर्दे के पीछे अच्छी लगती है। लेके जाओ इसे ऐसे। नमस्कार। इस किताब में वो आपको सब मिल जाएगा जो आपके मन के भीतर। वन मिनट। जी okay. जी वो घर पे फोन करके पूछ लेती हूँ अनुने खाना खाया या नहीं। काका? अरे काका आप जा रहे हैं फंक्शन शुरू होने से पहले ही? और ये प्यारी सी लड़की कौन है आपके साथ? ये भतीजी है, लंदन से आई है। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? वो जी सोनिका। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारी तरह। थैंक्स। अब आ ही गई हो तो कुछ देर बैठो हमारे साथ।
कुछ बातें भी हो जाएंगी और जान पहचान भी। फिर कभी। अभी काका के साथ किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। अजीब बात है, हम औरतों को सब कुछ करना पड़ता है, जैसे कोई मर्जी ही ना हो हमारी। मैं यहां आना नहीं चाहती थी, आना पड़ा। तुम यहां से जाना नहीं चाहती और जाना पड़ रहा है। चले क्या बात है, इतने दिनों से तुम क्लास में नहीं आई। सर वो एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग टू वेल सो। ओह आई एम सॉरी टू हियर दैट। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आई एम बेटर। गुड। अच्छा सोनिका, एक छोटा सा फेवर चाहिए था तुमसे। वो इंटरनेशनल फोटोग्राफी जर्नल वाले आज शाम को मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने कहा है कि वो एक मेरे स्टूडेंट से भी बात करना चाहते हैं। And you're the best I've got. So, मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। तुम आ पाओगी ना? Sir, वो actually. Oh come on, Sonika. It's a request, huh? सिर्फ 15 मिनट की बात है। Okay, sir. आ जाऊंगी. Thank you. Really, I appreciate that. You're welcome. सर आई एम सॉरी सोनिका, मैंने सर से कहा था कि तुम्हें झूठ बोलकर यहां बुलाए। What's the matter with you? ना मेरा फोन उठाती हो, ना मेरे मैसेज का जवाब देती हो, नो ईमेल, नथिंग। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? कौन सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम? मुझे, please leave my hand. जाने दो मुझे। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अक्षय, I said leave my hand. I will. But first tell me what's going on. Akshay, I said leave my hand. But first tell me. You really want to know? To suno. Mandar Matre ka naam suna hai tumne? Uski nakel hoon main. His bloody mistress. He owns me, Akshay. Meri har saans par kabu kiya hai usne. Jo kehta hai karti hoon, kathputli hoon uske haathon ki main. छीन लिया है उसने मुझसे मेरे जीने का हक, सपने देखने का हक, किसी से प्यार करने का हक। और अगर तुम मेरी जिंदगी में मेरे करीब आए तो वो तुम्हें भी जान से मार देगा। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ अक्षय। Why don't you bloody understand? Please stay away
from me, Akshay, otherwise he'll kill you! बस इतनी सी बात। ओह गॉड सोनिका, तुमने तो मुझे डराई दिया था। आई थॉट इट वाज समथिंग सीरियस। अक्षय, ये मजाक नहीं है। मजाक तो तुम बना रही हो हमारे प्यार का। तुमसे दूर रहने के लिए तुमसे प्यार नहीं किया था, और मरने के डर से हम जीना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। सोनिका, कैसे जियोगे? सारा शहर कांपता है उसके नाम से। तो नहीं जिएंगे इस शहर में? इस शहर में राज करता है ना तुम्हारा वो मंदार मात्रे? पूरी दुनिया पे तो नहीं ना, ऐसी जगह गुम हो जाएंगे कि ढूंढता रह जाएगा वो। बकवास है ये, मुमकिन नहीं है। अक्षय प्लीज सपने देखना छोड़ दो। सपने देखने का हक है हमें, और तुम्हें प्यार करने का हक। अक्षय तुम प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार। जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार आया फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार। आवारगी तू ही दुआ हर शाम की, तू खामखा तू लाजमी, तू ही रजा तू ही कमी, और तू ही वो फिराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया। होठों पे तेरे इजहार आया है, होठों पे तेरे इजहार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे
प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। Breakfast in bed for my queen. इतना सारा प्यार, सपना है या सच्चाई? 50-50. Ready? सपने को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इजाजत है? इजाजत है, मर्जी भी और जरूरत भी। मंदार, तुम कैदी की आजादी की आरज़ू और रखेल की शादी की आरज़ू कभी ना कभी सर उठाएगी। ये सर बाबा कहा करते थे। मंदार प्लीज, मंदार प्लीज, मंदार प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, प्लीज उसको छोड़ दो। मंदार प्लीज, अक्षय को छोड़ दो, मैं चलती हूँ। भगा के लाया ना तू इसे? काका, इस साले का वो हाल करो के भागना क्या, चल भी नहीं पाए। हे मंदार, मर्द का बच्चा है तो अपने आदमी को पीछे कर और मर्द की तरह लड़ना। कोई शौक नहीं मुझे मर्द का बच्चा बनने का, जैसा हूँ ठीक हूँ। ज्यादा बोल मत, उसकी दर्द भरी आवाज ध्यान से सुन, क्योंकि आज के बाद उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। कहा था तुझसे, भूल जाना और माफ करना मंदार मात्रे की डिक्शनरी में है ही नहीं। अक्षय, प्लीज जाने दो ना उसको, प्लीज देरी को, जाने दो ना, प्लीज छोड़ दो अक्षय को। खड़ी रहा यहाँ,
चुपचाप। चुपचाप खड़ी रह। याद आएगी तुझे, समझाया था मैंने, अगर तू मेरी सांसें रोकेगी मैं तेरी सांसें छीन लूंगा। नहीं समझी? तेरी माँ का? तबे तेरी तो। ए जल्दी निकल बाहर, बाहर निकल, निकल 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 निकल, ए बाहर निकल, बाहर बाहर चल, खोल। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तेरी मौत एक हार्ट अटैक लगेगी, लेकिन अगर 3 मिनट में तू हॉस्पिटल पहुंच गया बच भी सकता है। ऊपर जाकर मेरा मैसेज दे देना यमराज को, बोलना सैंपल में तुझे भेजा है, चार और भेज रही हूं।
आइए। मंदार भाव बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है भाव। नमस्कार। अरे भाव, इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा किया, बहुत काम किया आप लोगों ने। वाह, आइए आइए।
हेलो। तुमने ही सिखाया था ना मंदार मात्रे, शतरंज की चाल कभी अधूरी नहीं छोड़ते, किसी एक को तो जीतना ही पड़ता है, तो प्यादे की चाल B4 to C5, तेरा एक प्यादा खत। तेरे को कोई गलत फहमी हुई है भाऊ, कब्र में से कैसे फोन कर सकती है वो? उसकी आवाज इतनी जल्दी नहीं भूल सकता काका, कब्र से निकली भी और गोली को मारा भी। तो अब कुछ नहीं। मतलब? मतलब हमें कुछ नहीं करना है, जो करना है वो करेगी। वो हमें मारने का प्लान बना रही है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चूहे को मारने के लिए चूहे के पीछे नहीं दौड़ते काका, अपनी भूख मिटाने के लिए चूहा अपने आप चूहेदान में आ जाता है। वो आएगी, जरूर आएगी हमारे पास फिर से मरने के लिए। इस पे ध्यान देना। ओके सर। ओके जी। हेलो। हॉस्पिटल से अचानक गायब होकर मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया इंस्पेक्टर। I'm really sorry. कहाँ हो तुम? मेरी छोड़ी और ध्यान से सुनिए। जिस दिन मुझे मारने की कोशिश की गई थी उस दिन एक और मर्डर भी हुआ था, अक्षय बेदी का मर्डर। आपके रिकॉर्ड्स में इसकी कोई FIR नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जानती हूँ आप जैसे ऑफिसर्स को FIR की नहीं सही इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? अक्षय की डेड बॉडी इस वक्त कार में है और कार अम्बुलन लेक में। गाड़ी में से दो बैग मिले हैं सर, एक बैग में लड़की और लड़के के कपड़े मिले हैं और दूसरे में पैकेट मिला।
13 जून 2010 आज फिर उसने मुझे फोटोग्राफी क्लास में जाने नहीं दिया। उसके पास जाना कभी मेरी जरूरत थी, पर अब उसकी जरूरतों के सामने कहीं खोकर रह गई हूँ मैं। सब कुछ उसी का है, ये घर, ये फर्नीचर, ये पर्दे, ये बेडरूम, और मैं घर कहे जाने वाले इस जेल के अंदर बिछा हुआ एक शरीर हूँ। उसने आज से एक और बॉडीगार्ड रखा मुझ पर नजर रखने के लिए, ताकि मैं कहीं ना जा सकूं। अगर मैं कोशिश भी करती तो वो मुझे मारता। मंदार, उसने मुझे ना जीने दिया ना मरने, सब कुछ अपने काबू में कर लिया था। माय बॉडी, माय माइंड, माय स्पिरिट, वो मुंबई पर राज करता है। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था उससे दूर जाने का, पूरा शहर उससे डरता है। कहाँ जाऊँ मैं? इस दुनिया में मेरी आजी के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मंदार मात्रे बहुत ही खतरनाक इंसान है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं फंस चुकी। आज पहली बार उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी नजर आई है अक्षय के नाम की। ही गेव मी अ कोलाज टुडे, ही लव्स मी, और शायद मैं भी एक पल के लिए सब कुछ भूलकर उससे प्यार कर बैठी हूँ। हमने भागने का फैसला कर लिया है, हम हमेशा के लिए गोवा चले जाएंगे, मंदार मात्रे की दुनिया से बहुत दूर, एक छोटी सी दुनिया बसाने, अपनी दुनिया। आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम मंदार मात्रे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी उम्र कैद की सजा अचानक खत्म हो गई है। आई एम सो 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 हैप्पी। तुम चाहते हो कि मैं कागज के इन टुकड़ों को हाथ में लेकर मंदार महात्रे के घर चला जाऊं और उसे हथकड़ी पहना दूं? अंदाजा भी है तुम्हें कि मंदार महात्रे चीज क्या है। उधर उसका अरेस्ट वारंट निकलेगा और इधर मेरी मौत का। वहां से जिंदा बच भी गया तो लोग सड़कों पर मार डालेंगे मुझे। आई एम सॉरी सर, पर मुंबई पुलिस के लिए हमेशा मेरे मन में बड़ी इज्जत रही है। मैं जानता हूं कि आपको यह केस सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पर मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। रही बात सबूत की सर, हमें सिर्फ ये डायरी नहीं मिली है, हमें अक्षय बेदी की डेड बॉडी भी मिल चुकी है। गलती तो हुई मुझसे, मैं दोनों को मारना चाहता था, वो लड़की बच के निकल गई। गलती तो हुई ना, समझ में ये नहीं आ रहा वो बच के निकली कैसे। वो सिर्फ बच के निकली नहीं मात्रे साहब, बल्कि आपको फंसाने के लिए उल्टे सीधे कदम उठा रही है। उस गोवा वाले इंस्पेक्टर को इसी ने फोन करके बताया अक्षय की डेड बॉडी के बारे में। लाश बयान दे सकती है? नहीं। बयान देने के लिए लड़की है? नहीं। अरे तो टेंशन क्या है? टेंशन उस इंस्पेक्टर की है, बहुत तेज है साला। लड़की के हाथ की लिखी डायरी है उसके पास, एंड आई एम क्वाइट श्योर डेड बॉडी को लेकर कोई ना कोई रिपोर्ट उसने जरूर बनाई होगी। अब एक पुलिस वाले को दूसरे पुलिस वाले से कैसे निपटना है, ये भी मंदार मात्रे को समझाना पड़ेगा तो हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन देख किशोर, दो में से एक बात बोल, तू यहाँ मेरी मदद करने आया है या मुझे टेंशन देने आया है? कैसी बातें कर रहे हैं मात्रे साहब आप? आप बिल्कुल टेंशन ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। अब आपके साथ रहकर थोड़ी बहुत राजनीति तो सीखी हमने। आज ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको बताना चाहूंगी मुंबई की रहने वाली सीधी साधी और मासूम दिखने वाली लड़की सोनिका प्रसाद के बारे में। जी हाँ, सोनिका प्रसाद ने गोवा से आए अक्षय बेदी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसके साथ गोवा गई और वहाँ जाकर उसका मर्डर कर दिया। अक्षय बेदी गोवा से मुंबई एक फैशन फोटोग्राफर बनने आए थे और इन दोनों की मुलाकात प्रोफेसर बजाज के फोटोग्राफी एकेडमी में हुई। काका, ये वही लड़की है ना, पता नहीं चला है, आपकी भतीजी सोनिका प्रसाद जो बुक लॉन्च में मिली थी। बताना मुश्किल है कि मर्डर क्यों हुआ और इसके पीछे सिर्फ अब असली भतीजी थोड़ी ना है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हर कोई मुझे काका कहता है, तो मैं भी उन्हें भतीजा या भतीजी बुलाता हूँ। हरिद्वार से निकली गंगा, मंदार से लिया पंगा। मंदार से पंगा। एक ही झटके में मेरे सारे पाप धोके बेचारी खुद ही मैली हो गई। सोनिका की दादी आई है बाहर, कुछ ओल्ड एज होम के वार्ड बॉयज के साथ आई है। मिल गया काका, चूहे को पकड़ने के लिए पनीर का टुकड़ा।
अरे रे रे दादी माँ दादी माँ दादी माँ अरे मालिक आपने क्यों तकलीफ की मुझे खबर कर देती मैं आ जाता हा? अरे रे बैठिए 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 ना बैठिए फोन कर देती आप मैं आ जाता मेरी सोनी को बचा लीजिए मालिक सोनी ऐसा नहीं कर सकती वो कभी नहीं कर सकती जरूर पुलिस वालों को गलतफहमी हुई है मेरा बेटा और बहू जब एक्सीडेंट में मारे गए थे तो आपने ही उसे संभाला गार्जियन है आप उसके मुझे आप पर पूरा भरोसा है साहेब जैसे तैसे आप सोनी को बचा लेंगे मैंने कितना समझाया उसे दादी कितना समझाया मत पड़ इस फालतू छोकरे के चक्कर में पर नहीं आइए दादी भाग गई उसके साथ उसे माफ कर दीजिए साहेब क्या कर रही है आप बुजुर्ग हैं ऐसे मेरे पांव छुएंगी मुझे पाप लगेगा चलिए जो हुआ भूल जाइए एक काम करो उसे मेरे पास लेके आओ समझाओ ऐसे अंडरग्राउंड हो जाएगी पुलिस कोर्ट कचहरी सब उसके खिलाफ हो जाएंगे एक बार यहाँ आ गए मैं कोई ना कोई चक्कर चला के सब संभाल लूंगा आइए दादी जाने से पहले उसने हमें एक फोन नंबर दिया था वो ऐसा है कि तुम लोगों को देखेगी तो डर जाएगी अच्छा आप लोग यही रुको जी मैं लेकर आती हूँ हाँ हाँ जी बिल्कुल हाँ? आती हूँ हाँ? सोनिका हाँ जी कैसी है मेरी बच्ची क्या हो गया ये सब क्या क्या बोल रहे हैं सब तेरे बारे में आजी आप बैठो मैं समझाती हूँ आपको सब कुछ क्या समझाएगी तू अपनी आजी को चल मेरे साथ मंदार भाऊ के पास चल वो सब संभाल लेंगे मैंने बात कर ली है उनसे चल नहीं आजी वो कुछ भी नहीं समझेंगे आपको क्या लगता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा चल चल बेटा जिनके सांस तक नहीं ले पाया था वो और उसका दम घुट गया अब एक तो है नहीं मेरे पास लेकिन ऑक्सीजन तो फिर भी छीननी पड़ेगी ना तेरी आइए सर बारजो जी सर वही है उसी ने किया है कमिश्नर थोड़े दिन में इलेक्शन है यह खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए फाइल बंद करवा दो जेन्युइन है 100% सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर से ही करवा के लाया ओके थैंक यू
पढ़ लिया मैंने। लुक आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तुम्हें अक्षय बेदी का मर्डरर समझकर स्टोरी की चैनल पर तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अगर मैंने ये स्टोरी की तो हम प्रेस वाले हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मगर तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। प्रोटेक्शन की जरूरत मुझे नहीं, मंदार मात्रे को पड़ेगी। मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, वो नहीं। सूत्रों से पता चला है कि सोनी का प्रसाद पुलिस से नहीं बल्कि आदर्श पार्टी के नेता मंदार महात्रे से बचकर भाग रही है। हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिनसे पता चलता है कि मंदार महात्रे ने सोनी का प्रसाद को पिछले 3 साल से जबरदस्ती अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखा हुआ था। गायब होने से पहले सोनी का प्रसाद के हाथ की लिखी हुई डायरी से पता चलता है कि वो अक्षय बेदी से प्यार करती थी और उसी के साथ भागने वाली थी। हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहेंगे जो सोनी का प्रसाद ने अपने घर में पिछले 3 सालों से लिए थे। हम आपको ये भी बता दें कि गोवा पुलिस को अक्षय बेदी की डेड बॉडी मिल चुकी है, और इन सारे सबूतों को देखकर ये कहना गलत होगा कि अक्षय बेदी के मर्डर के पीछे सिर्फ और सिर्फ सोनी का प्रसाद का हाथ है। मंदार, हट! किधर से आई डायरी? डायरी किधर से आई? मंदार, कब लिखी? कब लिखी डायरी? कहां से आई डायरी? प्रेस वालों का होगा, बोल नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, किसी से बात नहीं करनी मुझे। कौन है बे? हैं? जी, हाँ, यहीं पे, हाँ, दिल्ली से फोन है। क्या बोलूँ? जी मैडम, अरे नहीं, अरे वो सब वो ऑपोजिशन पार्टी लोग की क्या चाल है मैडम? नहीं, वो फोटो तो वो आजकल कंप्यूटर से। जी मैडम जी, मैं संभाल लूंगा। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। जी मैडम जी। हेलो, मंदार महात्रे का पॉलिटिकल राइवल और उसका कजिन अतुल महात्रे तुमसे मिलना चाहता है। कब मिलना है? सॉरी सोनिका जी, स्मगलर वाली फिल्म जैसी मीटिंग होगी, लेकिन आप सबके सामने मुझे मिल नहीं सकते। करेक्ट, समझदार हैं आप। तो कहिए, मुझसे क्यों मिलना चाह रहे थे आप? आपके दुख में मैं बहुत दुखी हूँ सोनिका जी। इलेक्शन स्पीच देने की कोई जरूरत नहीं है, साफ बात कीजिए। लिसन सोनिका, मंदार ने तुम्हारे साथ भी गलत किया है और मेरे साथ भी। तुम उससे बदला लेना चाहती हो और मैं उसे अगले इलेक्शन में हराना चाहता हूँ। हम दोनों के मकसद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, ये मुझे पता है, बट सोनिका, मैं एक बड़ी सी प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, जहाँ पे हर बड़े से बड़े चैनल का रिपोर्टर मौजूद होगा। तुम कहाँ हो, इंटरव्यू कहाँ होगा, ये सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ऑल आई वॉन्ट, बस मैं यही चाहता हूं कि तुम मीडिया के सामने आकर मंदार की धज्जियां उड़ा दो।
उस रिपोर्टर ने जो कुछ बोला है उसमें अपने आंसुओं का तड़का डाल दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये तो सिर्फ आपके फायदे की बात है। सोनिका एक बार मेरा साथ देना शुरू तो करो, फिर तुम देखना इलेक्शन जीतते ही मैं तुम्हें फिर से इलेक्शन स्पीच। समझ गया, पैसा बोलो पैसा, सूरज ढलने से पहले सारा पैसा एडवांस तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। एडवांस तो चाहिए मुझे अतुल जी, पर एडवांस में पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। अच्छा तो ये कुछ और क्या है? काका भोसले जिंदा। काका भोसले। हेलो, अभी वेलकम सोनिका जी, लगता है आप और हम ये स्मगलरों वाली मीटिंग्स ही करते रहेंगे। काका, वादा निभाया है मैंने, चलिए। बाबा कहा करते थे, कमजोर के इरादे और नेता के वादे टूटने के लिए ही होते हैं। वो कहावत सुनी होगी तूने, चोर चोर मौसेरे भाई और नेता नेता चचेरे भाई। कैसा तू? आपका आशीर्वाद है भाई। सोनिका जी, आई एम सो सॉरी, बड़े भाई ने ऑफर ही ऐसी दी कि मैं इनकार नहीं कर पाया। हम दोनों इलेक्शन में सीटें बांट रहे हैं, सारा झगड़ा खत्म। अब भाई मिल गया है तो काका की क्या जरूरत है, पर तुझे उनकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। देखो, तुम इनके फार्म हाउस में जबरदस्ती घुस आए और बेचारे वॉचमैन और बॉडीगार्ड्स को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तेरे और काका के बीच काफी हाथापाई, काका ने तुझे टेबल पर फेंका और तूने उठकर काका को डाइनिंग टेबल पर फेंक दिया। ऐसे फिर किसी तरह तेरे हाथ में गन आ गई और तूने काका को गोली मार दी। डोंट वरी, अब ये खाली है। इसने काका को तो मार दिया लेकिन खुद इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई यहां से भाग ही नहीं पाई।
बदले के बोझ की मारी बेचारी खुद ही मरने पे आ गई। शह और मार। नौटंकी करती है। ये ले साइन कर इस पे। इसमें लिखा है कि गोली बाबू और काका भोसले का खून तुमने किया है। मंदार मात्रे को फंसाने की कोशिश की है नकली डायरी और झूठी तस्वीरों के आधार पे। बयान है तेरा, साइन कर इस पे। साइन कर ले, तकलीफ से बच जाएगी। पड़े रहने तो इसे यहां पे, भूख और प्यास इसे सब समझा देगी। चुन लिया साथी।
उठूं तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून हर दिन तुझको चाहूं तेरी राह तकूं अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं खामखा परेशान बड़ा इसको कोई समझा दे जरा इश्क में फना हो जाना है दस्तूर यही जिसमें हो सबर की फितरत वो इश्क ही नहीं समझ भी जा ए दिल मेरे क्या है ये माजरा साथी तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून हर दिन तुझको चाहूं तेरी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं हम तो मार मार के इससे अपनी बात मनवा लेते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी बात मान लेगी तो कर लीजिए कोशिश जिन चार लोगों को तुमने मारा है उनमें से एक मेरा ऑफिसर भी था आपके ऑफिसर ने हॉस्पिटल में मेरी जान लेने की कोशिश की थी और बाकी तीन ने अक्षय की जान ली थी अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उन सबका बाप मंदार मात्रे अब तक जिंदा है मैं जानता हूं कि तुम अक्षय की मौत का बदला लेना चाहती हो पर यह काम तुम्हारा नहीं है कानून का है वो कानून जो एसीपी और मंदार के हाथ की कठपुतली है ऐसा नहीं है सोनिका भरोसा करो ठीक है कर लेती हूं भरोसा कर लेती हूं उस बयान पर साइन पर आप सिर्फ एक वादा कीजिए मंदार मात्रे को अरेस्ट करेंगे Tell me, can you arrest Mandar Matre? Akshay ke murder aur mere attempted murder ke liye. Kya aapka kanoon Mandar ko saza dega? नीचे करो चल दरवाजा खोल चल जीप का है तेरी गाड़ी निकाल दे चुप जा तुम लोग गाड़ी की चाबी निकालो अपनी अच्छा गाड़ी की चाबी दो चल गाड़ी निकाल ए सोनिका तू बच के भाग नहीं सकती बचने के लिए नहीं भाग रही हूँ मारने के लिए भाग रही हूँ जल्दी चाबी दे वरना एंटन वर्जिस की पार्टी यही खत्म चाबी रखो ऊपर होल्ड योर फायर डोंट शूट पीछे आओ चाबी ले चाबी ले दे चाबी मुझे दे दरवाजा खोल चल दरवाजा खोल अंदर बैठ चल हाँ।
तमाशा देख रही है सारी। चल अंदर जाके बैठ, नहीं तो तोड़ दूंगा तुझे भी ऐसा ही। चल ए, निकल साले। गलती तो यही हो गई मंदार भाव कि हमने भी उसे आप ही की तरह मामूली समझ लिया, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है, उसे हल्के में मत लीजिए। जो लड़की अपने जख्मों पे नमक बर्दाश्त कर ले, उसे और जख्मों से डराना मुश्किल है। आप अपने आसपास की सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए। डरा रहा है भाव को? डरा रहा है तू? सिर्फ सावधान होने को कह रहा हूं भाव, और इस लड़ाई में वो इतना कुछ खो चुकी है कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जान से मार डालूंगा साली को मैं, जान से मार डालूंगा। ये तो आप अपनी तरफ से करके देख ही चुके हैं। आधी तो वो तभी मर गई थी जब आपने उसके बॉयफ्रेंड को उसकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा के मारा था, और उसकी बाकी की जान तब निकल जानी चाहिए थी जब आपने उसे जीते जी कब्र में दफना दिया था। उसने मौत को इतने करीब से देखा है भाव कि अब उसके सीने से मौत का डर निकल चुका है, और जिसे मरने से डर ना लगता हो वो इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान होता है। मेरी बात पे गौर करना भाव, और अगर मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। चलता हूं। दो दिन तक गायब हो जाऊंगा, मैं नहीं मिलूंगा तो तुम भी नहीं मिलोगी। थैंक यू। यू वेलकम। और ये लो। क्या है ये? फोन नंबर है उसका जो तुम्हें मदद करना चाहता है, शायद वो तुम्हें मंदार तक भी पहुंचा दे। कौन है ये? फोन कर लो, पता चल जाएगा। और सर इस जमीन से ये फायदा है कि ये बिल्कुल डैम के साथ है, तो आर्टिफिशियल लेक भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पोल्स भी पास ही है। बेसिकली सर हम तीन टाइप के अकोमोडेशन सोच रहे हैं। पहला तो विला टाइप, दूसरा हम बिल्डिंग बना सकते हैं और उसमें फ्लैट्स बेच सकते हैं। वो क्या है आजकल सर, लोग फ्लैट्स प्रिफर करते हैं, सिक्योरिटी की झंझट कम हो जाती है और मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी नहीं रहती। और सर तीसरा आइडिया है रो हाउसेस का, विला का विला और एक तरह से फ्लैट भी। अरे यार ये दरवाजा क्यों खुला है? सर खुला रह गया होगा। सर एक्चुअली वो केटरिंग वाले हैं, चाय और समोसा लेकर आ रहे हैं। बंद कर, कोई नहीं आएगा, कोई अंदर नहीं आएगा। बंद कर दरवाजा, मीटिंग के बाद खाना चाय समोसा ये। बंद कर, चल चल चल। हाँ तो वो जमीन डैम के पास है। फिर तुम दोनों यहाँ से हिलना मत। अंदर साहब का इंटरव्यू चल रहा है, बाहर का कोई आदमी अंदर जाने ना पाए। यस सर। जॉली लिसन, गेट सर अ ग्लास ऑफ वाटर एंड टेल द मेकअप मैन टू बी रेडी इन केस ऑफ स्वेट। इज दैट क्लियर? ओके मैम। ऑलराइट सर। क्योंकि सिर्फ एक ही डिबेट हो सकती है, मैं आपसे उस डायरी की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहती हूँ। यहाँ स्टूडियो में कितने लोग अलाउड हैं? ड्यूरिंग द शो ईपी है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और मेरा कैमरामैन है। सबका सिक्योरिटी क्लियरेंस है? सिक्योरिटी क्लियरेंस मतलब? हाँ सर, सबके पास आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड किसी के पास भी हो सकता है, दिस इज नॉट राइट। यहाँ सिर्फ ये दो कैमरामैन रहेंगे, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। स्टार्ट। Okay, Anuradha, you step out and let the cameraman stay in, and you come in only to give your cues during the ad break. All right? All right. Excuse me. ये कहाँ जा रही है? To the control room, sir. Control room में कितने लोग हैं? 10 या 12? 10 हैं या 12 हैं? Please tell me. 12, I think, sir. सबका नाम जानती हैं? सबका नाम क्यों जानूंगी सर? वो interns हैं, technical staff हैं. अगर आप सबका नाम नहीं जानती हैं, तो कौन जानता है? This is not safe. कोई security नहीं है यहाँ पे.
बट सर दिस इज अ न्यूज चैनल, यहाँ पर कोई कुछ क्यों करेगा सर? जहाँ पर किसी को लगता है कि कोई कुछ नहीं करेगा वहीं कोई कुछ करता है, यू नो दैट। मेरे घर पे होगा इंटरव्यू। आई एम सॉरी सर बट दिस इज अ डिबेट, यू प्लीज कट। भाड़ में गई थी डिबेट। बट सर प्लीज सर सर। चले सर, ये इतने लोग क्यों यहाँ पे? सर क्लब का इनॉग्रेशन है तो लोग तो होंगे ही ना? नहीं, घर चलो, चल। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, ऑर्गेनाइजर को भी मैंने वादा किया था। इनफैक्ट उन्होंने अपने पार्टी के लिए अच्छा खासा डोनेशन दिया है। तो सर, डोनेशन के चक्कर में मुझे डोनेट करेगा तू? क्या पता तुझे? क्या पता? किसके बारे में सर? उसके बारे में। ये इंतजार कर रही है मेरा, तुझे मालूम है ना? ये इस भीड़ में छुपके मुझे मारेगी, यही प्लान है तुम लोगों का? ये साले क्या कह रहे हैं सर? बंद कर, बंद कर, बंद कर, get out, get out, get out, bloody idiot! ए, घर चल तू जल्दी, निकल, निकल, साला, चल। नहीं नहीं होऊं जाए, करतूं मैं, करतूं होऊं जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं था जी, बात बड़े जल्दी वापस आ गए आप, खाना लगवा दूं? नहीं भूख नहीं है। अरे कुछ तो खा लीजिए थोड़ा समय। अरे बोलो ना, भूख नहीं है तो नहीं है, बकवास बंद कर। थके हुए लग रहे हैं आप, मैं दूध ले आती हूं, नींद अच्छी आएगी। से बात कर रहे थे, कहीं अंदर बुला के पूछता हूं साले से। और हम साथ दूध साले तेरी, मैं गन ढूंढ रहे हैं, हटा दी मैंने। जिस चीज की जरूरत ना हो उसे हटा देना आप ही से सीखा है मैंने। अग्नि के फेरे लेने से कोई भी पति परमेश्वर नहीं हो जाता है मंदार महतरे। पूजा करवानी हो तो परमेश्वर बन के दिखाना पड़ता है। बाबा कहा करते थे, बीवी की आंखों में प्यार और माशूका के हाथों में हथियार सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ला, गंदे चल, सारे मोरे अपनी जगह पे रख के बाजी फिर से शुरू करते हैं। दे गंदे, दे गंदे ना।
और आवारा हाथी दोनों बंदूक की गोली के लिए ही बने हैं। काश तेरे बाबा ने तुझे ये भी बताया होता। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। दादी यहाँ रहती थी, उनके जाने के बाद तो ये घर बंद ही रहा है। और जो पुलिस ऑफिसर तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम उसी के घर में छुपी हो, ये कोई नहीं सोचेगा। थैंक यू। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद आज पहली बार लगा जैसे पुलिस का कोई काम किया। एनीवे, घर से बाहर ज्यादा जाना मत, और किसी ने पूछा तो जस्ट से योर माय सिस्टर वेरोनिका। थैंक यू। टेक केयर सोनिका। बाय। जब घर आए वो तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि वो खाना खाएंगे तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली गई उसे सुलाने के लिए, और तभी मैंने गोली की आवाज सुनी। मैं भाग के उनके कमरे में गई तो ले लिया बदला। हो गई भगवान से लड़ाई। सोनिका, अब तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह तुम जी नहीं पाओगी। मरना तो सभी को है अक्षय। सोनिका, डोंट आर्ग्यू। प्लीज यू डोंट आर्ग्यू अक्षय। अगर अपना इलाज कराऊंगी तो तुम दिखना बंद हो जाओगे, और अगर तुम्हें देख नहीं पाऊंगी तो जीकर क्या करोगी? लेकिन सोनिका। अक्षय प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। तुम्हारा चेहरा देखते हुए मरना मंजूर है, तुम्हारे बगैर जीना नहीं। अक्षय वो वाली बातें करो ना। कौन सी वाली? आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार। टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में, तू ही मेरा सब ले गया। ना फिकर ना शर्म,
जर्रे जर्रे में दीदार आया है, फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है।